गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मरखा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीएफ प्रतीक मलिक पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं सितंबर 2015 में आए हुए मैथ्स पैडागोगी के क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सीक्वेंस टू टीच द टॉपिक मेजरमेंट ऑफ लेंथ एट प्राइमरी स्टेज। अब मेजरमेंट हमें कहाँ सिखाना है लेंथ का, प्राइमरी स्टेज पे। तो देखिए, इस बात का जिक्र मैं पहले की वीडियो में भी कर सकी हूँ कि पहले सबसे पहले नॉन स्टैंडर्ड सिखाए जाते हैं, फिर स्टैंडर्ड की ओर बढ़ते हैं। और उससे पहले भी क्या आता है हमारा, आता है ऑब्जर्वेशन, की पहले बच्चा अवलोकन करेगा कि मैं बच्चे को ये चीज दिखा दूंगी कि इसमें से कौन सा बड़ा है, वो देख के ही बता देगा कि हाँ ये बड़ा है मेजरमेंट करने में, या फिर जैसे ये मैंने लाइन ही खींच दी कि दोनों लाइनों में से बच्चे कौन सा बता है। सबसे पहले किससे बता देगा, ऑब्जर्वेशन से, अवलोकन से ही तो बता रहा है इसमें सबसे पहले बच्चा। और फिर अगर इससे भी काम नहीं चलेगा तो फिर हम बोल देंगे बच्चे को कि अपने हाथ से नाप के देख लो उसको, हथेली से, क्यूपिड से। और फिर उसके बाद में हम उसको बोलते हैं बच्चे स्केल का यूज करो, फिर बच्चा स्केल से करेगा कि मैम इतना आया। उसके बाद उसे कहीं क्या पता लगता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि मीटर में नापा जाता है इसे, सेंटीमीटर में नापा जाता है, जो भी चीज जिस हिसाब से होगी, छोटी होगी तो सेंटीमीटर में, बड़ी होगी तो मीटर में। तो यहाँ ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें क्या देखा, यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये तो भाई बिल्कुल ही कट जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट्स ही थोड़ी सिखा देंगे सबसे पहले बच्चे को। फिर देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या है, कंपैरिजन। पहले मैंने आपको बताया कंपेयर करेगा सबसे पहले बच्चा, क्या करेगा तुलना। और ये थर्ड ऑप्शन में भी सबसे पहले क्या है, कंपेरिजन, तुलना करना। पर इसके बाद क्या है, इसके बाद है यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड मेजर सेकेंड ऑप्शन में, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने बताया कि नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स का यूज करेगा, किसका, अपरिमाणिक मापों का। फिर डेवलपिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स पर, भाई जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है ये आपकी थोड़ी बता देगा, सबसे पहले पहले यूज करेगा उसको, स्टैंडर्ड यूनिट्स को। अब तो फिर ये ऑप्शन भी यहाँ गलत हो गया। अब थर्ड ऑप्शन कंपैरिजन, बिल्कुल ठीक, यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, अप्रामाणिक मापों का उपयोग। फिर है यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर, स्टैंडर्ड मेजर यूज करेगा। फिर डेवलपिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स, अब भाई स्टैंडर्ड यूनिट्स अपने बना लेगा। तो ऑप्शन थ्री क्या इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो आप हमेशा बच्चे को जब भी मेजरमेंट सिखाएं तो ये ध्यान रखिएगा अपने रियल लाइफ क्लासरूम में भी, कि आप सबसे पहले उसे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर फोर्थ ग्रेड स्टूडेंट्स आर गिवन, कि भाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं हमने फोर्थ ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए। तो अब ये क्वेश्चन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है। स्टूडेंट्स आर एबल टू ऑर्डर एंड कंपेयर टू डेसिमल नंबर्स अप टू टू डेसिमल प्लेसेस, कि भाई बच्चा किस चीज में एबल है कि दो नंबर के जो हमारे डेसिमल है उनको ऑर्डर में लगाने में, ठीक है। बच्चा कंपेयर कर पा रहा है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं को जो कि दशमलव के दो स्थान तक हैं को क्रम में रखने और उसकी तुलना करने में, यह कि दशमलव वाली दो संख्या, जैसे मैंने 9.14 लिख दिया और एक लिख दिया मैंने 1.26, तो इसको कंपेयर कर पा रहा है, बता पा रहा है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है संख्या, या बिल्कुल 9 की बजाय यहाँ 0 यहाँ भी 0, तो भी उसके हिसाब से। तो अब ये मेरा कौन सा ऑब्जेक्टिव दर्शाता है टीचर का, देखिए प्रोसेस गोल्स किसको बोलते हैं, कि जब बच्चा कोई काम कर रहा हो तो जब वो यूज होते हैं, कि प्रक्रियात्मक ध्येय, कि जब बच्चा कोई यूज मतलब किसी चीज को कर रहा है उस चीज में उसका प्रोसेस का यूज कर। डिस्पोजिशन क्या बोलते हैं, एक चीज को क्रम से लगाना। उसके बाद में सोशल गोल बोलते हैं कि भाई बच्चा जब क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका क्या क्या डेवलपमेंट होता है, कि कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, बच्चा एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन सीखता है, तो ये वाला। पर ये हमारा किसको, कंटेंट गोल को दर्शा रहा है, कि भाई कंटेंट है बच्चे का डेसिमल के रूप में लगाना तो उसे लगा पा रहा है, ठीक है। टीचर ने भी एक तरीके से कंटेंट को बढ़ाने के लिए गोल रखा था, कि भाई बच्चे को ये समझ में आ जाएगा, जो हम एलपी बनाते हैं तो उसमें रखते हैं ना अपने गोल्स, वही वाला कंटेंट गोल है ये, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is manipulative tool is required in developing geometrical concepts? अब manipulative tools क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसको हम ना use कर सके किसी चीज को सिखाने के लिए। अब इसमें कौन से दो टॉपिक सिखाने हमें, एक तो सिमेट्री और एक होता है रिफ्लेक्शन, सम्मिति और प्रावर्तन। रिफ्लेक्शन वही वाली चीज है कि इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके कौन सी इमेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सिमेट्री से बिल्कुल रिलेटेड है। अब टू साइडेड काउंटर का मैं यूज करूँ तो उससे मुझे क्या पता चलेगा, इसमें तो कोई हेल्प कर ही नहीं सकता सिमेट्री में,
ब्रिड स्ट्रिंग, मोतियों की माला, वो भी नहीं हेल्प करेगी। डॉट पेपर, डॉट पेपर किस टाइप का होता है? ग्राफ पेपर के टाइप में ही होता है, उसमें ऐसे छोटे 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 डॉट लगे होते हैं बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में, कि 1 के उस पे, 1 1 सेंटीमीटर के उस पे, या 2 2 के उस पे, जितना भी जैसा डॉट पेपर होगा उसके हिसाब से। अब एक इसको हम प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए यूज करते हैं तो उसका यहाँ कोई रोल है ही नहीं। तो डॉट पेपर बेस्ट है कि बच्चा अगर इस डॉट पेपर के यहाँ पे कोई चीज बना रहा है डॉट मिला के, तो उतनी ही डॉट मिला के यहाँ पे ये चीज बन जाएगी। तो क्या सीख जाएगा बच्चा? सिमेट्री एज वेल एज रिफ्लेक्शन, किसकी हेल्प से? डॉट पेपर की हेल्प से। आर डिबेट वॉज कंडक्टेड, अब भाई एक डिबेट रखी गई किस चीज के लिए? मैथमेटिक्स पीरियड ऑफ क्लास 5th ऑन 0। अब किस चीज पे रखी गई? 0 के ऊपर रखी गई है। अब डिबेट का टॉपिक क्या है? 0 इज मोस्ट पावरफुल नंबर, बोलते 0 भाई मोस्ट पावरफुल नंबर है। देखिए कहीं कुछ हद तक तो बिल्कुल बात सही है कि 1 के पीछे जितनी 0 लगा लो उतना ही नंबर बढ़ जाता है, तो पावरफुल नंबर तो हुआ ही 0। तो अब इस बात से बच्चे क्या सीख रहे हैं कि ये एक्टिविटी क्या इनकरेज करे बच्चे को? कोलेबरेट विद फ्रेंड्स, भाई बिल्कुल कोलेबरेट तो कर ही रहे हैं ना, जब डिबेट कर रहे तो एक दूसरे की बात सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। एनालाइज एंड कम्युनिकेट, देखिए एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों को कि 0 का रोल क्या है। एक बच्चा बोल देगा कि यहाँ पे मैंने डेसिमल से पहले 0 लगा, इसका क्या मतलब है? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। या फिर मैं इसके बाद में डेसिमल के बाद में कितनी ही 0 लगाऊं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर एक बच्चा कहता है नहीं भाई, अगर मैं 100 के पीछे एक और 0 लगाऊं तो 1000 बन जाता है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चे? एनालाइज कर रहे हैं 0 के रोल को अलग अलग उसमें, और कम्युनिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही ऑप्शन हो जाएगा। राइट नंबर कंटेनिंग 0, ये तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ कि वो कर रहे हैं कि 0 वाले नंबर्स को लिखते जा रहे हैं। सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो वैसे क्वेश्चन दे देगा टीचर, डिबेट ऑर्गेनाइज कराने की क्या जरूरत है? तो इसमें क्या होगा हमारा? एनालाइज कर रहे हैं बच्चे और कम्युनिकेट कर रहे हैं 0 के रोल को हमारे रियल लाइफ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। इफ अ लर्नर हैविंग प्रॉब्लम विद नंबर्स एंड कैलकुलेशंस, शी एंड ही हैविंग डिसेबिलिटी नॉन एज, देखिए ये आप सभी को पहले से भी पता होगी पर मैं एक बार बता देती हूँ कि अगर हमारी डिसलेक्सिया क्या होती है, अगर हमें पढ़ने में कोई दिक्कत है, पठन अक्षमता, देखिए यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा बिल्कुल हिंदी में आपको, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ किसकी कैलकुलेशंस की बात कर रहा है। फिर डिसग्राफिया, लेखन अक्षमता, की बच्चे को लिखने में टेढ़े मेढ़े वो बनाता है, वर्ण बनाता है, अल्फाबेट टेढ़े मेढ़े बनाता है। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया होती है हमारी गणित से रिलेटेड, कि जब भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगी ना बच्चे को तो वहां क्या होगी हमारी? डिसकैलकुलिया। यहाँ पे विजुअल स्पेशल का तो कोई मतलब है ही नहीं डिसेबिलिटी का, तो यहाँ पे क्या है हमारी? डिसकैलकुलिया एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आपको आई होप ये दोनों बाकी की भी डिसेबिलिटी समझ में आ गई होंगी, डिसलेक्सिया पढ़ने के लिए और डिसग्राफिया लिखने से संबंधित, डिसकैलकुलिया गणित से। अब मैनिपुलेटिव टूल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर लर्नर्स एट प्राइमरी लेवल एज दे हेल्प देम मोस्ट टू, भाई किस चीज में हेल्प करते हैं मैनिपुलेटिव टूल्स? प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। किस चीज में मदद करते हैं व्यवहारिक उपकरण? सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स, कि भाई वर्ड प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करते हैं, नहीं ऐसा तो जरूरी नहीं है। स्पीड अप मेंटल एंड ओरल कैलकुलेशंस, की मेंटल एंड ओरल कैलकुलेशंस को स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है करते हैं कुछ हद तक। परफॉर्म बेटर इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन वाला जब आपको आ जाए ना, बेटर एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर पाएगा, हाई लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को अचीव कर पाएगा, तो ये हमेशा बिल्कुल गलत होगा। अंडरस्टैंड बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, भाई ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए यूज करते हैं हम किसका? मैनिपुलेटिव टूल्स का। एक नंबर के अलग अलग ऑपरेशंस लगा के देख रहे हैं कि हमने 4 में +2 किया तो क्या आंसर आया, माइनस किया तो क्या आंसर आया, मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, और डिवाइड करेंगे तो क्या, मैनिपुलेट कर रहे हैं हम एक ही नंबर को बार बार डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन से, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे बेसिक जो कंसेप्ट है मैथ्स के उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओपन एंडेड, अब आपको ओपन एंडेड पता होना चाहिए सबसे पहले कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड किसको बोलते हैं। ओपन एंडेड होता है जिसके कई सारे आंसर हों, और क्लोज एंडेड क्या होता है कि भाई बिल्कुल एक फिक्स आंसर है, उससे दूसरा हो ही नहीं सकता। जैसे फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 45 ही आएगा, कोई बोलो कि 46 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, हाउ विल यू मल्टीप्लाई बाय 15 बाय 3, फिर वही वाली बात हो गई, एक ही आंसर आएगा।
राइट एनी टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 45। भाई देखिए, अब मेरे पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन निकलेंगे, 1 into 45, 45 हो जाएगा, 15 into 3 हो जाएगा, 5 into 9 हो जाएगा मेरे पास में, और अगर मैं इनको माइनस में कर लू, -1 into -45, अगर माइनस में मैं करूंगी तब भी वही होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर तो आपको 45 ही आएगा। तो ये है हमारा, ये क्या है, ओपन एंडेड। और फिर नेक्स्ट कि यूज नंबर लाइन टू राइट 3 times 15, ये भी ओपन एंडेड कहां से हुआ? ओपन एंडेड क्या होता है कि जिसके एक से ज्यादा आंसर हो सके, कि बच्चा इसमें सोचे, बच्चा सोचेगा भाई 45 को कैसे कैसे लिख सकता हूं मैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओपन एंडेड आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड फेस डिफिकल्टी इन एडिशन ऑफ टू डिजिट। भाई टू डिजिट का बच्चों को एडिशन नहीं आ रहा है। देखिए हम सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं, टू डिजिट का वो नहीं आ रहा था, आज एडिशन नहीं आ रहा है, 2 + 8, बच्चा इसको ऐड नहीं कर पा रहा है, दिक्कत हो रही है बच्चे को। नंबर्स इन्वॉल्विंग कैरिंग ओवर, क्योंकि भाई कैरी का प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे को, ये तो पता है 8 + 8 16 होता है, तो इसको 1 को कहाँ लिखूं, क्या लिखूं, इसका 1 का मतलब क्या है, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा। 10 + 6 16 है, तो ये 1 इधर होके कैरी हो जाएगा, मतलब 10 इधर हम कैरी दे देंगे। अब रीजन बताना है किस चीज का है, रीजनिंग प्रोसेस नहीं। भाई रीजनिंग तो बच्चा कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत तो यूज कर ही लेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं है उसका मैथमेटिक्स में। अब यहाँ पे क्या बच्चे को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का नहीं पता। भाई इस ऑप्शन में क्या होगा, प्लेस वैल्यू से संबंधित है, जब भी कैरिंग की डिफिकल्टी होगी ना, तो आप चाहे आग बंद करके ऑप्शन पे लगाया ना, कि वहां पे क्या होगा आपका प्लेस वैल्यू से दिक्कत होगी, बच्चे को प्लेस वैल्यू का नहीं पता होगा, जब भी कैरिंग में है, चाहे सब्ट्रैक्शन का है चाहे एडिशन का क्वेश्चन है। Which one of the following is an important characteristic of good mathematics textbook at primary level? कि भाई प्राथमिक स्तर पर एक जो मैथ की टेक्सटबुक होती है उसका क्या सबसे अच्छा गुण है? भाई थिक और लार्ज हो, मोटी और बड़ी होनी चाहिए, कोई मतलब ही नहीं बनता, मोटी बुक को देख के तो बच्चे वैसे ही कम पढ़ते हैं। कंसेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस थ्रू कॉन्टेक्स्ट। हाँ देखिए, ये बिल्कुल हमको बेहतरीन ऑप्शन मिल गया हमारा, जो इसका करेक्ट आंसर है, कि जो कॉन्सेप्ट है ना वो बच्चे का कॉन्टेक्स्ट में हो, संदर्भ में समझाए जाए, उसे रियल लाइफ से जोड़ के बच्चे के चाइल्ड सेंटर्डनेस अप्रोच को अप्लाई करके, कि बच्चा किस एज का है उसके हिसाब से। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वेन हेल लेवल ऑफ ज्योमेट्री, स्टूडेंट्स हु कैन डिस्क्राइब एंड सॉर्ट आउट शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ अपियरेंस। कि भाई वेन हेल का कौन सा है, कि बच्चे देख के पता लगा पा रहे हैं कौन सी शेप है। ये थ्योरी आपको करा रखी है, आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है, विजुअलाइजेशन, क्योंकि अभी बच्चा देख के बता देगा, मैम इसको ट्राइंगल बोलेंगे, इसको सर्कल बोलेंगे, पर अभी ये नहीं बता पाएगा क्यों बोलेंगे, डिफरेंट शेप है बिल्कुल बता देगा। तो ये कौन सा है, 0 लेवल है हमारी वेन हेल की थ्योरी का, बिल्कुल वीडियो करा रखी है इसके ऊपर आपको स्पेशल, तो आप उसे देख लीजिएगा इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। अब कम्युनिकेशन इन मैथमेटिकल क्लास रेफर्स टू डेवलपिंग एबिलिटी टू। अब भाई जो गणित की कक्षा में संप्रेक्षण का उल्लेख, किस क्षमता का विकास करना है? अब देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं, कि भाई बच्चा मैथ्स की लैंग्वेज में क्वेश्चन बोलेगा, बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनाइज कंसोलिडेट एंड एक्सप्रेस मैथमेटिकल थिंकिंग, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित संचित और स्पष्ट करना। बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कि ऑर्गेनाइज कर पाएगा बच्चा, कि भाई मतलब कि कैसे मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या दूसरों से कैसे पूछना है, और अपनी मैथमेटिकल थिंकिंग को भी एक्सप्रेस करेगा अपनी कम्युनिकेशन के जरिए ही। बाकी के ऑप्शंस मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको एक नजर में ही पता लग रहा है कि वो आंसर नहीं हो सकते। इफ अ लर्नर इज एबल टू परफॉर्म 4 बेसिक ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स फ्रैक्शन डेसिमल्स द लर्नर इज। भाई वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है बच्चा, कर सकता है, तो कौन सी, देखिए क्वांटिफाइंग स्टेज में क्या होता है, जब बच्चा एक्चुअली सीखता है कि क्वांटिटीज में डील करना, कि उसको पता लगता है नंबर सेंस उसमें डेवलप होती है,
पार्टीशनिंग फेज क्या होता है कि बच्चा पार्टीशन करना सीख जाता है कि मैं 500 को कैसे कैसे लिख सकता हूँ, 200 + 300 इस टाइप में। फिर फैक्टरिंग फेज होता है कि बच्चा और ज्यादा टुकड़ों में तोड़ने लग जाए चीजों को। अब ऑपरेटिंग फेज क्या होता है, जब बच्चा चारों के चारों जो हमारे ऑपरेशंस हैं इनको अप्लाई करके कुछ ना कुछ सीखता हो, कुछ ना कुछ नया बनाता है। बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, बेसिक ऑपरेशन अप्लाई किस किस पे कर सकता है, होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल। तो बच्चा कौन सी स्टेज पे है, ऑपरेशनल स्टेज पे दिखता है। अगर आपके बेसिक फॉर ऑपरेशंस की कहीं बात हो रही है तो वो हमेशा उसका आंसर क्या होगा कि ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा डील कर रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रिकमेंड्स दैट टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल शुड फोकस ऑन, कि भाई किस चीज पे फोकस करना चाहिए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में नोट नहीं है, इसमें आपसे पूछा गया फोकस किस चीज पे करना चाहिए। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू एक्वायर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। भाई बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं स्टार्टिंग से बच्चे को ये नहीं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बच्चा अचीव करे, नहीं, गलत ऑप्शन। प्रिपरेशन ऑफ, मैंने अभी अभी बताया हायर मैथमेटिक्स के लिए कोई हमारा गोल नहीं कहता एनसीएफ। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट की एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट से करना, नहीं भाई कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलते हैं प्राइमरी लेवल पे। लास्ट ऑप्शन, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू कनेक्ट क्लासरूम लर्निंग विद एवरीडे लाइफ। बिल्कुल ठीक, बच्चे के कॉन्टेक्स्ट से जुड़ गया, रियल लाइफ से जुड़ गया। तो यही तो कहता है हमारा एनसीएफ पूरा का पूरा 2005 बेस्ड इस चीज पे है कि बच्चे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को अपनाओ, बच्चे को सिखाओ, बच्चे के लेवल के हिसाब से सोचो। बच्चा कभी भी गलत नहीं हो सकता, टीचर ही गलत होगा अगर बच्चे को भी समझ नहीं आ रहा है तो कोई चीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नंबर सेंस, कि नंबर सेंस जो हम बच्चे में डेवलप करते हैं उसका कौन सा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। देखिए कंजर्वेशन मैंने आपको बताया था, ये हमारा काउंटिंग प्रिंसिपल है तो ये तो हो गए। सीरिएशन भी काउंटिंग प्रिंसिपल है, ये भी है तो काउंटिंग भी है। बस हाँ जो ये राइटिंग नंबर्स है ना भाई, ये नंबर सेंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। जब नंबर सेंस डेवलप करते हैं तो ये तीन चीज मेन होती है हमारी। राइटिंग नंबर्स तो देखिए लिखता तो बच्चा किसी भी भाषा में है, देवनागरी लिपि में लिखेगा तो अलग से लिखेगा, रोमन में लिखेगा तो अलग से लिखेगा, पर उसे ये तीन चीजें फॉरमोस्ट आनी चाहिए। नंबर कंसेप्ट को समझाने के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाई गई है तो आपको पता होना चाहिए, कि वहां वो वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये तीनों होंगे और ये नहीं होगा। इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आप उस वीडियो को जरूर विजिट कर लीजिएगा काउंटिंग प्रिंसिपल, क्योंकि आप देखोगे हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर है वहां से। आर टीचर गिव्स 36 टाइल्स टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर, भाई 36 टाइल देता है क्लास फोर के एक स्टूडेंट को, एंड आस्क देम टू अरेंज इन टू द ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल्स, की भाई पॉसिबल रेक्टेंगल्स में लगा दो उन 36 टाइलों को, कि भाई जैसे भी ऐसे लग सकती है सिक्वेंस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एड्रेस्ड बाय द यूजिंग, क्या एड्रेस नहीं किया जा रहा इस एक्टिविटी को करा के बच्चा क्या क्या कंसेप्ट टीचर डेवलप कर देगा। फैक्टर्स का बिल्कुल कर सकता है कि 36 को कैसे कैसे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, 9 टाइल इधर लगा दू, 4 इधर लगा दू, फैक्टर कर करके भी देख सकता है बच्चा। मल्टीप्लीकेशन का बिल्कुल आ रहा है तभी तो उसको फैक्टर आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है तो। एरिया का कंसेप्ट हो रहा है कि भाई इतने एरिया में इतनी टाइल लग गई मेरी, पर वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका किससे बिलोंग करता है, 3D फिगर्स से, तो यहाँ उस चीज की अभी बात नहीं हो रही, तो इसलिए ये वाला कंसेप्ट नहीं सिखाया जा रहा बच्चे को। और इसमें देखिए कैन नॉट ही पूछा गया है तो क्या होगा इसका आंसर हमारा, फोर्थ की वॉल्यूम नहीं सिखाया जा रहा अभी यहाँ बच्चे को इस एक्टिविटी के माध्यम से। ठीक है समझ गए होंगे, एरिया भी सिखाया जा रहा है और वॉल्यूम भी, वॉल्यूम नहीं सिखाया जा रहा, मल्टीप्लीकेशन, फैक्टर और एरिया सब सिखाया जा रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।